ये मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले बार मैं माइक लगाना भूल गया, दूसरी बार माइक लगाया ऑन करना भूल गया, अब मैं माइक लगाया हूँ ऑन किया हूँ। आज जॉब होता है ना, उसमें सबसे हेक्टिक डे कौन सा होता है पता है? छुट्टी का दिन। छुट्टी के दिन आपको सारे चीज़ निपटाने होते हैं। ये लाइन भी मैं 3 बार बोल रहा हूँ। आपको जो जिम का सूट है वो सारे निपटाने हैं, एडिटिंग सारे निपटाने हैं, घर में किसी को कहीं बाहर जाना है वो भी साथ में लेके जाना है। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग पंडा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा छुट्टी के दिन मैं क्या क्या कर रहा हूँ। पहला चीज जो मैं करने वाला हूँ वो है सोनी का जो लेंस है ना आप देख रहे हो, ये सिग्मा 18-50 f/2.8 एपर्चर का लेंस है। लेंस अच्छा है लेकिन बैकग्राउंड में वो सेपरेशन ब्लर उतना नहीं आ रहा है। प्राइम लेंस लेंगे सिग्मा का एक 30mm का। प्री वर्कआउट मैंने आधे घंटे पहले लिया, 1.5-2 घंटा और लगेगा इसको डाइजेस्ट होने में। इन द मीन टाइम हम लोग वो लेंस ले लेंगे। लेंस लेने के बाद जिम में जाएंगे शूट के लिए, नया एक जिम है वहाँ पे शूट करेंगे, देखेंगे कैसा क्या क्राउड है, म्यूजिक का सिचुएशन क्या है, होगा तो उसमें कंटिन्यू करेंगे वरना फिर से दूसरे जिम में। हेलो हेलो चेकिंग। ये कैमरा इतना स्मॉल है ना, मतलब ZV-1F, सोच रहा हूँ इसको भी एक ले लूँ। मस्त लग रहा है कैमरा, छोटा सा लेकिन इसका क्वालिटी आई थिंक अच्छा होगा आईफोन से। धूप वैसे बहुत है, एसी का साउंड जोर आ रहा होगा तो माइक इतना सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन धूप बहुत है। इस टाइम पे ना इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत हेल्प करते हैं, तो जो मैं जिम के दौरान ड्यूरिंग द वर्कआउट जो पीता हूँ ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही बेसिकली कंज्यूम करता हूँ। अभी प्लान में थोड़ा बदलाव आया है। जिस जिम में मैं अभी वर्कआउट करने वाला था वो जिम अभी तक रेडी नहीं हुआ है, नया जिम था वो, अच्छा बनाया लेकिन मैंने जिम पूरा घूम के देख लिया। अभी दूसरा एक जिम पे जाऊंगा बिकॉज मेरा जो एग्जिस्टिंग मेंबरशिप वाला जिम है वो मतलब पता नहीं उसका मतलब मुझे उसमें फील ही नहीं आ रहा अभी कुछ भी, मतलब फोकस बहुत खराब आ रहा है बिकॉज भीड़ बहुत हो रहा है। अभी 2 बज रहा है, भीड़ नहीं होगा स्टिल देन मुझे वहाँ पे फोकस नहीं आता है। आई थिंक 2 बज रहा है तो मैं प्री वर्कआउट खाने को 4-5 घंटा हो गया, स्टिल आई विल सस्टेन मुझे लगता है। अगर थोड़ा सिट्रोलिन मैलेट ले लूँ आई थिंक पम्प भी अच्छा आ जाएगा उसमें। कैसा दिख रहा है नहीं पता, एज सच मैंने नॉइज कैंसिलेशन ऑन किया है, गाना वाना बज रहा है जिम में। अभी ये नया वाला मेरा प्राइम लेंस है, अब मुझे रियलाइज हो रहा है बोके तो अच्छा आ रहा है लेकिन इतना वाइड नहीं है, आप इस पर ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। लेकिन दैट्स अंडरस्टूड, एक 30mm लेंस पे आप ब्लॉग नहीं कर सकते, कुछ दिक्कत हो ही जाता है। लास्ट डे में मैं शूट के लिए आया था, मेमोरी कार्ड भूल गया कैमरे का मैं, इस बार मेमोरी कार्ड है जिम ही नहीं मिल रहा था। ये लेंस से मैं यूज टू नहीं हूँ, लाइक ये बहुत टाइट है, बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है आपका लेकिन बहुत टाइट है, कम्पैक्ट लेंस है ये बहुत। तो मतलब मैं यूज़ टू था कि बहुत पास रख के वीडियो करता था लेकिन अभी थोड़ा बहुत दूर, जैसे लेंस अभी यहाँ इतना दूर है, मतलब 3 फीट दूर होगा लेंस। सिट्रोलिन मैंने ले लिया, पंप बहुत अच्छा देगा, इवन इफ यू आर ऑन अ बल्क, मैं बल्क नहीं चल रहा है बट पंप बहुत अच्छा देता है। और प्री वर्कआउट आई थिंक ज़रूरी नहीं है मेरे लिए अभी, बट ले लेता हूँ अगर वर्कआउट अच्छा होगा तो, क्योंकि अभी तो 2 बज रहे हैं तो इशू नहीं है कोई सोने का, रात को होता तो नहीं लेता मैं मोस्ट प्रोबेबली। और इसमें मैंने ORS डाला हुआ है और एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि उतना नेसेसरी है कि नहीं मुझे नहीं पता बट मैं चांस नहीं लेना चाहता, सब कुछ डाल दूंगा, कंपटीशन है मेरा दिसंबर में। सेकेंड वार्म अप सेट। वर्कआउट में काफ़ी कम टाइम में अभी करने को ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज ऑफिस है, फिर मेरा रहता है, फिर वीडियो शूटिंग एडिटिंग वगैरह वगैरह सब कुछ रहता है, तो कम टाइम में अगर मैं चीज़ें निपटाना सीख जाऊँ और रिजल्ट भी अच्छा है तो मज़ा आ जाएगा। लिटरली स्टार्ट किया है वर्कआउट और ये पंप देखो आप, मतलब थोड़ा सा जूम इन करूँ ये देखो, मतलब लिटरली वार्म अप सेट ही किया है मैंने। ये वर्कआउट से ज़्यादा ना थकाने वाला काम है वेट रखना लाना वो सब करना, ये सब काम है थकाने वाला। अभी बैटरी 30% है, ये सोनी का इसमें बड़ा वाला बैटरी यूज़ होता है बट फॉर सम रीज़न मैं 50% में ही चार्ज में लेके आया हूँ इतना आज। पहला वर्किंग सेट लगाएंगे, शिट ओह भारी लग रहा है 3। थोड़ा ड्रॉप करके करते हैं, मेरा बल्किंग चालू है लेकिन अभी भी एब्स विजिबल है नहीं, मैं नहीं दिख रहा था, हाँ अभी दिख रहा हूँ। अभी सेकंड एंड लास्ट वॉकिंग सेट,
ऑलमोस्ट 30 kg के आसपास है ईच हैंड में, जो कि इजी हुआ करता था, बट जब से मैंने फेलियर वेलियर वाला कंसेप्ट यूज करना चालू किया तब से ये बहुत भारी निकल रहा है, और ऊपर से मैं स्लो कर रहा हूँ भाई, इसको इतना स्लो नहीं करूँगा। जब हैवी सेट खत्म होता है ना तब ये दिमाग पूरा ब्लैक हो जाता है, तब से ढूंढ रहा हूँ रिकॉर्ड बटन किधर है, ये साफ नहीं है। हाँ, अगर आप एंड में सोच रहे हो ना 12 रैप करना था मैंने 13 कर लिया फेलियर टच हो गया, ऐसा नहीं है। कभी कभार सेम वेट पे आप जब अच्छा फील करते हो, कार्ब अच्छा लोड हुआ होता है, दिन अच्छा गया होता है, आप उसी वेट पे 15-16 भी कर सकते हो। सिंपल मैं थंब रूल आपको बताता हूँ फेलियर हिट करने का, जिस मोमेंट में आपको लगे इससे तो एक और नहीं जाने वाला, ट्राई करना एक पार्शियल कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा था। डंबल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, मशीन में दिक्कत नहीं होता है, उसमें क्या आधा जाएगा नहीं जा रहा, क्या नीचे आके रख दोगे ना। कैमरा इतना दूर रखा हुआ है कि मुझे दिख ही नहीं रहा कि कैमरा में क्या आ रहा है। अब हर किसी को तो ये चीज़ पता है कि जो आपका मीडियल हेड होता है शोल्डर का सबसे प्रोमिनेंट दिखता है, और लैटरल रेंज उसके लिए सबसे बेहतर है। केबल में लैटरल लेस करने के लिए मैं आपको टिप बताता हूँ, ये जो अटैचमेंट आता है आपका इस पर यहाँ पे ना पकड़ के आप इस अटैचमेंट को हाथ पे ऐसे लगा लो, और मैं अभी जैसे सेट करूँगा वैसे करो, और आपका जो केबल का जो डिस्टेंस है मतलब जो जहाँ पे आप सेट करोगे केबल को, वो हाथ अगर नीचे करोगे तो हाथ जहाँ पे रह रहा है ना वहीं पे केबल सेट करो, तो इनिशियल स्टार्टिंग से ही आपको टेंशन मिलेगा। नीचे रखने से क्या होता है, आप यहाँ तक लेते हो फिर टेंशन आना स्टार्ट होता है, तो अननेसेसरी आप मूवमेंट को वेस्ट कर रहे हो। फाइव और फाइव, 1, 2, 3, 4, ओ बॉय, गुड सेट। बंद कहाँ होगा भाई, रियर डेल्ट, बेसिकली सारे डेल्ट वीक है मेरे, बट रियर डेल्ट ज़्यादा वीक है, तो इधर मैं रिवर्स पेग डेक फ्लाई करता हूँ या फिर रोप पुल करता हूँ। रिवर्स पेग डेक फ्लाई ज़्यादा पसंद है मुझे, बट हर दिन एक एक्सरसाइज करके बोर हो गया तो ये कर रहा हूँ। इस पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, हाथ को इतना आगे स्ट्रेच नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं, जब तक मसल टेंशन आपका रह रहा है। देखो रियर डेल्ट यहाँ तक एंगेज हो रहा है, और फिर खींचना है, पूरा छोड़ दोगे तो फिर लूज़ हो जाता है पूरा वेट। एट सच आई थिंक मैंने ज़्यादा लिया था, उतना फील नहीं आ रहा, तो इसमें मैं 3 सेट करूँगा, बिकॉज ये सेट पूरा ऐसे झुक जाओ, ऐसे ऐसे हो जाओ, पूरा हाथ को पूरा आगे झुका लो, ऐसा नहीं होना है आपको, ये स्टार्टिंग पोस्चर। अब ऐसा करो, जितना आप राउंड करोगे ना अपर बैक को, आपका ट्रैप का इन्वॉल्वमेंट सबसे कम होगा, हालांकि थोड़ा बहुत कब भी आएगा, लेकिन बेस्ट। अब देखना फेलियर क्या होता है। जो शोल्डर में जो पार्ट मेरा सबसे वीक है वो है मेरा ट्रैप्स, और ये पार्ट मुझे कभी भी फील नहीं होता है, दैट माइट बी द रीज़न कि मैंने उसको नेगलेक्ट किया। लोग डंबल में स्ट्रक कर लेते हैं, लोग बारबेल में स्ट्रक कर लेते हैं, मेरा एल्बो में दिक्कत है, एल्बो में जब दिक्कत नहीं था तब भी मुझे स्ट्रक से नहीं आता था ट्रैप्स का। वे पूरा सेटअप केबल मशीन में वो आ रहा है यार, फ्रेम में नहीं आ रहा हूँ। एज सच कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर रहा, बस आपका बैक सपोर्टेड होगा यहाँ पे, और ये ऊपर उठ गया मैं, अब जो उस रग में नॉर्मल करता था अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और अभी मैं कंस्टेंटली स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट वाला ईयरफोन ना गिर जाए।
ये एक्सरसाइज करते टाइम मेरा हमेशा वो माइक लगता था यहाँ पे, तो माइक को मैग्नेट में मैंने यहाँ पे चिपका। ट्रैप्स में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, उसमें भी उतना फील नहीं आ रहा है और ज़्यादा वेट लगा रहा हूँ तो बेंच ही वो उलट जा रहा है वहाँ पे। तो मैंने सोचा जो रिवर्स पैकटेक फ्लाई करते हैं उसका एक ट्रैप वेरिएशन ट्राई करते हैं। एक ट्रैप्स का कुछ करना पड़ेगा, इसमें भी नहीं आ रहा है। अब 4% ही बच गया मेरे मोबाइल में, तो जल्दी से क्लोजिंग कर लूँगा। अभी बल्क चल रहा है मेरा, 75 kg हूँ मैं, तो उस हिसाब से आई थिंक कंडीशनिंग अच्छा है, पंप भी अच्छा ही आया है। और जब एक डेढ़ महीने बाद मेरा कटिंग स्टार्ट होगा, नहीं एक डेढ़ महीने नहीं, मैं सितंबर को कटिंग स्टार्ट करूँगा, बिकॉज अगस्त मिड या सितंबर को, क्योंकि कंपटीशन दिसंबर में है मेरा। तो उस हिसाब से बल्किंग में मुझे लग रहा है एब्स भी दिख रहे हैं, कंडीशनिंग भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। अभी इसके बाद मैं कार्डियो करूँगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे फिजिक कैसे कैसे चेंज हो रहा है। कम टाइम में 45 मिनट्स 1 आवर का ही वर्कआउट रहा मेरा, मैक्स दिन वही रहता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, इसे पंप अच्छा आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। कार्डियो भी देख लो, ये कैमरे में नहीं, कैमरा ज़ीरो हो गया, ख़त्म, ये फ़ोन में चल रहा है रिकॉर्ड।